नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। ये सारी केंद्र की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो आज केंद्र की कठपुतलियां बन गई है। इसमें चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सेबी हो और रिजर्व बैंक हो, सारी की सारी ये जो दिल्ली में हुक्मरान बैठे हैं उनके इशारों पे चलती है। ये जो बोल रहे थे कि 7.5 साल में ये तोता बन के पिंजरे में थी, तो मेरा कहना ऐसा, ये तोता बन के पिंजरे में नहीं थी। ये जो बोल रहे अभी बाज है, ये पालतू कुत्ता दिल्ली का बन गई है कि जब ये भौंकने का आदेश देती है, जब ये भौंकती है। आज ये बोल रहे हैं कि मोहित कम्बोज ने एक ट्वीट किया है, मोहित कम्बोज जी 400 करोड़ की जो जमीन है तुमने 4.5 करोड़ में जो ले ली है, खरीदी है, उसका हिसाब कौन देगा? आज किलित सोमैया जी तुम वापस जाओ मोहित कम्बोज़ दल और उनको भी ईडी की नोटिस दिलवाओ। ये मैं आपको यही बोल रही हूँ, मोहित कम्बोज होने दो, नील सोमैया होने दो, ये सब की अगर नोटिस लगाएंगे। सबसे बड़ा घोटाला देवेंद्र फडणवीस ने किया है, आर.एस. शेटकार का 18,000 करोड़ का उसका घोटाला है। चाय घोटाला बोलो, उंदर घोटाला बोलो, वृक्ष घोटाला बोलो, क्या क्या घोटाले उसने नहीं किए। तो क्या ये बीजेपी में जो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं क्या? मुझे यही बात का जवाब आज मोदी सरकार से चाहिए। मोदी और शाह जो बैठे हैं, सबसे पहली बात तो जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह है उनके ऊपर तड़ीपार का नोटिस है, क्यों उन्हें अंदर नहीं करते? मोदी के ऊपर गोधरा खान का इतना बड़ा आरोप है, संजीव भट्ट जी आज भी उनका जो उन्होंने सब उनका चिट्ठा खोला था तो आज भी वो जेल में सड़ रहे हैं। आदरणीय सरकार के सभी कार्यकर्ता ने आज के दिन इस महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता ने कसम खाई ली है कि बीजेपी को मुक्त करना है। यही आपके माध्यम से जाना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, बीजेपी मुक्त। ध्यान रखो, ये फिर से ध्यान में रखो, बीजेपी मुक्त करना है और उनकी औकात दिखाना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर आने वाले दिन में उनकी औकात दिखा देंगे। इतना ही बोलता हूँ मैं, धन्यवाद। महाराष्ट्राचं आपले मुख्यमंत्री यांना नमस्कार, आदरणीय मुख्यमंत्रींना आणि आपल्या पालकमंत्री पर्यटन मंत्री आदित्यजींना मानाचा मुजरा करते। हे आंदोलन आता काल आम्ही मंत्रालयाच्या बाहेर सुद्धा आम्ही महाविकास आघाडीचं एक आंदोलन घेतलं होतं, कारण नसताना ईडीच्या चौकशा लावता आहेत आणि थोडंसं जनतेचं लक्ष डायव्हर्ट करण्याचा हा प्रयत्न चाललेला आहे, जेणेकरून येणाऱ्या निवडणुकीच्या ऐवजी नको नको ते विषय डोक्यात घालून लोकांच्या भाजपचा काही फायदा होतोय का असं ते बघतायत, पण ते अतिशय चुकीचं वागतायत। त्यांचीच पापं हळूहळू पुढे येत आहेत आणि ती झाकण्यासाठी हा त्यांचा वेगळा प्रयत्न आहे, पण आम्ही अजिबात घाबरणार नाही, आम्ही सज्ज आहोत। तुम्ही ईडीची चौकशी करा नाही तर काय वाटेल ते करा, आम्हाला फरक पडत नाही। मोहित कम्बोज यांच्याकडून ट्विट करण्यात आलेला आहे की संजय राऊत आणि शरद पवार यांचे फोटोज ट्विट केले आणि सांगितलं अब 13 नंबर आहे, असू दे ना, कोणीच घाबरत नाही। काल महापौर ताईंनी सुद्धा हेच सांगितलेलं आहे की तुम्ही आम्हाला आता याचा नंबर आता त्याचा नंबर हे करून काय तुम्ही आम्हाला घाबरवताय का? तुम्ही, मी आधीच बोलले की तुम्ही ईडीची चौकशी आणा नाही तर काय वाटेल ते आणा, आम्ही सज्ज आहोत उत्तर द्यायला, आम्ही कोणाला घाबरत नाही, महाविकास आघाडी कुणालाही घाबरत नाही। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे इनके माध्यम से और हमारे महाविकास आघाडी के आज जो हमारे महाविकास आघाडी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है और जो ईडी सीबीआई ये जो इंक्वायरी केंद्र सरकार जो हमारे बीजेपी विरोध जो काम कर रही है, पूरे देश जान रही है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उद्धव साहब अच्छे तरीके से सरकार चला रहे और सरकार के खिलाफ जानबूझ के ये षड्यंत्र इन्होंने रचा है मोदी सरकार ने, इसके हम लोग पूरे महाविकास आघाड़ी इसका निषेध करते हैं।
हम पूरा शिवसेना हमारे पूरे महाविकास आघाड़ी के सब राष्ट्रवादी कांग्रेस सब नेता एक साथ है और इनको कोई डरेगे नहीं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब इसके खिलाफ जन लड़ेंगे और हम विजय होएगी।